हमको एक बार एक दोस्त ने पूछा कि आजादी में किस तरह के लोग हिस्सा लिए। हम बोले आजादी में दो तरह के लोग हिस्सा लिए, हम आजादी में भाग लिए और आरएसएस वाले आजादी से भाग लिए। और मैं और से का फर्क तो हम पहले भी बता चुके हैं। जब मैं आ रहा था और हमको हमारे कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेता फ्रीडम पार्क दिखा रहे थे, तो मेरे मन में वो आजादी वाली बात याद आ रही थी। जब हम आजादी की बात बोलते थे तो यही लोग व्हाट्सएप पे आपसे पूछते होंगे कि किस चीज से आजादी चाहिए, क्यों आजादी चाहिए, देश तो आजाद हो गया है, फिर आपको किस बात की आजादी चाहिए। अरे इसी बात की आजादी चाहिए कि इस देश का नागरिक इस देश के प्रधानमंत्री के आंख में आंख डाल करके उससे सवाल पूछे, इसी बात की आजादी चाहिए। आजादी कोई भीख है? आजादी कोई वरदान है? आजादी कुर्बानियों से हासिल की हुई चीज है और हमको लगातार आजादी के उस दायरे को बढ़ाने की जरूरत है। आजादी के उस मतलब में, उस मायने में इस बात को भी शामिल करने की जरूरत है कि जन्म के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, संस्कृति के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, क्षेत्र के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, लिंग के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। जब संविधान ने हमको बराबर किया है तो हम बराबरी के उस एहसास के साथ, बराबरी के उस अधिकार के साथ हम अपनी जिंदगी को जी सकें। जब संविधान ने महिला और पुरुष का वोट बराबर किया है तो आप कौन होते हैं महिला और पुरुष के बीच में विभेद पैदा करने वाले, इस सवाल का जवाब हम पूछ सके। हम ये पूछ सकें कि जब इस देश में प्रधानमंत्री के लिए 8,500 करोड़ का उरन खटोला खरीदा जा सकता है तो इस देश के गरीबों को मुफ्त में शिक्षा क्यों नहीं दी जा सकती है। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।